high student, in this video lecture, we will talk about the classification of carbohydrate. In the previous lecture, I have talked about the introduction of carbohydrate, definition, and all about the general carbohydrate. In this video lecture, uh, I will talk about the classification of carbohydrate. Now, what is the purpose of classification? Why we classify the things? So we classify the thing mainly is to for easy understanding. So that's why we classify the things and this way carbohydrate we have also classified into three categories. what is the basic are the criteria for this classification so the main criteria on hydrolysis it gave how many saccharide unit on this base we classify the carbohydrate into three categories the first one that is monosaccharide the second one is oligosaccharides the third one that is polysaccharide now here we will discuss some the differentiation between these थ्री कैटेगरीज द फर्स्ट वन दैट इज मोनोसक्राइड मोनोसक्राइट हमारे पास क्या है ऐसे ऐसीक्राइट सक, हमारे पास शुगर को कहते हैं यानी ये मोनोसक्राइट के आप जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमारे पास ये आपको देगा हमारे पास सिंगल सेंगल शुगर यूनिट आपको देगा तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं मोनोसक्राइट तो यहाँ पर लेके के हमारे पास सिंगल सेक्राइड यूनिट यानी ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो कि आपको सिर्फ Osionfish. एक शुगर यूनिट देगा तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं मोनोसक्राइड इसके कंट्रास्ट हम देखें हमारे पास उलीगोसेकराइड तो उलीगोसेक्राइड में हमारे पास आप ऐसे कार्बोहाइड्रेट होगे होते हैं कि हमारे पास हाइड्रोलिसिस में आपको क्या देगा टू से टेन सेक्राइड शुगर यूनिट आपको देगा तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं ये हमारे पास उलीगो है थर्ड हमारे पास है पोलीसेक्राइड इसको आप देखिए तो यहाँ पर शुगर यूनिट के क्लासिफिकेशन है कि आपको हाइड्रोलिसिस में कितना शुगर यूनिट देगा तो यहाँ पर सिंगल यहाँ पर टू टू टेन है यहाँ पर हमारे पास पोलिसक्राइट में मोर देन टेन सेकाराइट आपको पोलीसेकराइट हमारे पास ऐसी कार्बोहाइड्रेट टेन से ज्यादा मोनोसेकेराइड हाइड्रोलिस में देखें तो ऐसी कार्बोहाइड्रेट को फिर हम कहते हैं पोली यह नेक्स्ट कि हमारे पास स्कैनर भी फर्दर हाइड्रोलाइज क्योंकि ये हमारे पास एक स्माल यूनिट है तो इसकी परदर हाइड्रोलिस नहीं होती क्योंकि ये हमारे पास क्या है स्माल है तो इस वजह से यहाँ पर कि हमारे पास स्कैनर भी परदर हाइड्रोलिस सेकंड ओलीगो सेक्राइड में देखें तो ये आपको हमारे पास आपको देगा टू टू टेन सेकोराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस क्योंकि इसमें हमारे पास इतनी ही सेक्राइड या शुगर यूनिट होगे तो होते हैं कि हमारे पास आप इसकी पर दर्ज़ जब करें करते हैं तो आपको फिर ये टू टू टेंट सेकोराइड यूनिट देगा पोली में हमारे पास केस ये है कि यहाँ पर क्योंकि यूनिट सेक्राइड टेन से ज्यादा है तो हार्ड्राइसिस में ये आपको टेन से ज्यादा ही सेक्राइड यूनिट देगा नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास सोलेबल एंड वाटर अब इस कीमोनोसेक्राइड की साइज स्माल है साइज स्माल की वजह से ये आ, हमारे पास इजीली सॉलेबल है वाटर में यह देखिए हमारे पास साइज इंक्रीज करता है यानी सेक्राइड यूनिट हमारे पास ग्रेजुअली uh, इंक्रीज़ कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास सोलिबिलिटी क्या है यहाँ पर स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे पास क्या हो डिक्रीज होती है तो यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास लेस सोलेबल इनवाटर पोली सेक्राइट को देखें तो इसमें हमारे पास सेक्राइड यूनिट जो शुगर यूनिट है यहाँ पर हमारे पास टें से ज़्यादा है तो टेन से सेक्राइड यूनिट बढ़ गई तो इनकी हमारे पास सोलिबिलिटी पर क्या होगी हमारे पास कम होगी तो यहाँ पर कम्प्लीटली इन सोलिबल इनवाटर अब टेस्ट की बात करते हैं कि हमारे पास मोनोसक्राइट उलीगो सेक्राइट एंड पोलिसक्राइट की टेस्ट कैसे हो गये? तो हमारे पास मोनोसक्राइट को देखिए यहाँ पर हमारे पास ये स्मॉल यूनिट है तो स्मॉल यूनिट है हमारे पास ये हमारे पास स्वीटेस्ट होते हैं उलीगो सेक्राइट हमारे पास एस कम्पेयर टू द मोनोसक्राइट ये हमारे पास लेस स्वीट होते हैं पोलियक्राइट में हमारे पास ये लार्ज मालिकूल होते हैं लार्ज सेक्राइट से बने होते हैं तो इस वजह से हमारे पास पोलिसक्राइट हमारे पास टेस्टलेस है तो दो पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है यहाँ पर यह हमारे पास मोनोसेक्राइट स्वीटेस्ट एंड पोलीसक्राइट हमारे पास टेस्टलेस है इसकी एग्जाम्पल लिख के है कि हमारे पास मोनोसेक्राइट में हमारे पास ग्लूकोस है फ्रक्टोस ये इसकी एग्जाम्पल है उलीगो में हमारे पास लेक्टोस है माल्टोस है इसी तरह से आप लिख लिख सकते हैं कि हमारे पास सकरोस ये भी हमारे पास क्या है उलीगो है पुलिस से सेक्राइट की एग्जाम्पल में हमारे पास सिलोलोस है स्टार्च है ग्लाइकोजन है तो ये हमारे पास क्या हुई ये एग्जाम्पल हुई इन मोनोसेक्राइट उलीगोसेकराइट एंड कि हमारे पास एक ये क्वेश्चन है कि हमारे पास वाई प्रोक्टोस इज द स्वीटेस्ट एंड कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का टर्म भी सेक्राइट है क्योंकि ये हमारे पास उस सेक्राइट का मीनिंग भी टेस्ट है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हमारे पास स्वीट हो गए लेकिन ये इट्स इस नेसेसरी दैट ऑल कार्बोहाइड्रेट इज स्वीट सो इस क्वेश्चन का आंसर कह के हमारे पास अमॉन्ग द कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट स्वीटेस्ट इज प्रोक्टोस नो वाई वाई प्रोटोस इज द स्वीटेस्ट एंड कार्बोहाइड्रेट यह पर रीजन को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास, so, पास, no, पास प्रोक्टोस जो है इसका साइज हमारे पास स्मॉल है साइज स्मॉल है तो क्या हुआ हमारे पास ये क्यों पेर स्वीट है तो स्वीटनेस का हमारे पास रिलेशन साइज के साथ क्या है यहां पर देखें हमारे पास प्रकटो स्मॉल साइज है स्मॉल साइज है तो जब भी आप हमारे ये प्रकटोज लेते हैं तो ये प्रकटोज साइज स्मॉल की वजह से ये क्या करता है ये टेस्ट टेस्ट से इजीली पास आउट होता है तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास अमोंग द कार्बोहाइड्रेट ये हमारे पास स्वीटेस्ट है